भारत ने फ्रेंच साख्ता रफेल त्यारे मसूल होते ही चीन को धमकाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज फ्रांस से 5 रफेल जेट त्यारे भारत पहुंचाए गए, जिसके बाद भारतीय वजीर दिफा ने चीन को धमकियां देना शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़िया अभी ठंडा नहीं हुआ और भारतीय वजीर दिफा ने फ्रांस से 5 रफेल जेट त्यारे हासिल होते ही चीन के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। फ्रांस से करोड़ों डॉलर्स के ओज रफेल जेट त्यारों को खरीदने के माहदे के बाद इसकी पहली खेप, जिसमें 5 त्यारे शामिल थे, गुज़िश्ता रोज भारतीय एयरबेस पहुंचे। इस पेशरफ्त को वजीर दिफा ने चीन के खिलाफ बयानबाजी का मौका जाना और अपनी ट्वीट्स में कहा कि ये हमारी फौजी तारीख में नए दौर का आगाज है। ये जेट त्यारे भारतीय एयरफोर्स को मजीद मजबूत करेंगे और मुल्क को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने में मदद देंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने बयान में बराह रास्त चीन को मुखातिब नहीं किया, मगर मीडिया और बैनुल अक्वामी मामलात पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि ये बयान पड़ोसी मुल्क चीन के लिए हैं। राजनाथ सिंह का मजीद कहना था कि अगर कोई है जिसे हमारी एयरफोर्स की इस नई सलाहियत के बारे में परेशान होना चाहिए, तो वो यकीनन वही मुल्क हैं जो हमारी सरहदी खुद मुख्तारी के लिए खतरात पैदा करना चाहते हैं। भारत ने फ्रांस से 9.4 बिलियन डॉलर्स के औसत 36 रफेल जेट त्यारे खरीदने का माहिदा किया था। इन तमाम की भारत मुंतकली 2021 के इख्तिताम तक पूरी होनी है। 5 रफेल जेट त्यारों के हरियाणा के अम्बाला एयर बेस पहुंचने पर उनके एजाज में एक वाटर कैनन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। याद रहे कि भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के मुकाम पर सरहदी तनाज़िया 2 माह से ज़ायद अरसे से जारी है, जिसमें बैनुल अक्वामी मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज भारतीय इलाकों में अंदर तक पहुंच गई और भारतीय चौकियों की जगह अपनी चौकियां कायम करना शुरू कर दी हैं।